ऑफ क्यास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं सांभर, साउथ इंडियन डिश का स्पेशल सांभर। इसमें हम सिर्फ 3 सब्जियों से ही सांभर को बनाएंगे। तो अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट देखते हैं। सांभर बनाने का सामान है, ये बेसिक मसाले हैं, नमक, धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, ये मैंने सांभर मसाला लिया है, ये 2 बड़े चम्मच लिया है। ये छौकर में डलेगा सामान, दाना मेथी, जीरा, लौंग और काली मिर्ची, ये छोटी छोटी चम्मच लिया है, 1 छोटी चम्मच 1 छोटी चम्मच। ये लाल मिर्ची सूखी ली है जो भी छौकर में डलेगा। सांभर में दाल डलती है जो है ये अरहर की दाल, इसको हमने बीन लिया है, मतलब इसमें से साफ कर ली है इसको। अब इसको भिगो के और फिर कुकर में सीटी लेंगे। इसके साथ डलेगा घिया। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि ये हम थोड़ी सी चीज़ों से टेस्टी सांभर बनाएंगे, तो घिया और दाल तो हम कुकर में चढ़ाएंगे और टमाटर प्याज का हम छौकन लगाएंगे। ये टमाटर लिए हैं मैंने, 6 टमाटर लिए हैं और प्याज 2 बड़े प्याज लिए हैं, 3 हरी मिर्ची लिए हैं और ये 1 नींबू है, इसका रस डालूंगी। और इसमें खटाई के लिए हम थोड़ी सी इमली भी डालेंगे। ये देखिए हमने गर्म पानी में इमली भिगो के रखी है। अब अपन कुकर में घी और दाल को चढ़ा देते हैं। मीठा इमली लिया है हमने, देखिए दाल भीग गई है। ये घी मैंने काट ली थी, इसको इसमें डाल देती हूँ और करीब आधा ग्लास पानी डाल देते हैं इसमें। और इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी डालेंगे, नमक, थोड़ा सा डालेंगे इसमें सांभर मसाला जो हमने लिया है, आधा छोटी चम्मच सांभर मसाला डालेंगे और थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर। अब इसको 3 सीटी लेने तक पकाएंगे। ये 2 बड़े चम्मच ऑयल ले रहे हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल आप ले सकते हैं। ये पैन गरम हो रहा है कि हमने, हम चेक कर लेते हैं डाल के। जीरा पैन गरम हो गया है, इसमें राई डाल रहे हैं हम। मीठा नीम भी डाल दिया हमने, लाल मिर्ची, दाना मेथी, काली मिर्ची, लौंग और जीरा। और अब हम इसमें प्याज डालते हैं। प्याज को भूनने के बाद हम मसाले ऐड कर देते हैं। अब इसमें मसाले डाल देते हैं, थोड़ी सी लाल मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची हमने टमाटर के साथ ली है 3, इसलिए 1 चम्मच सांभर मसाला, धनिया पाउडर 1 बड़ी चम्मच और नमक। हल्दी पाउडर, मसाला अच्छे से भुन गया है। अभी हम सांभर मसाला जब ये बॉईल करेंगे लास्ट में कुकर का मसाला मिला के, अब और डलेगा इसमें। टमाटर को सौते करने के बाद करीब 5 मिनट तक इसको ढक के रख देंगे, तो डायरेक्ट ये अच्छे से गल जाए, अच्छे से टमाटर और प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर इसको मैशर की सहायता से हम मैश कर लेंगे, क्योंकि सांभर पतली अच्छी लगती है, तो कि जितने भी मोटा रह जाएगा टमाटर प्याज उसको हम मैश कर लेंगे। अब हम आंच धीरे कर देते हैं और इसको ढकने के लिए रख देते हैं। अभी कुकर का भी बॉईल हो गया है, जब तक 5 मिनट छौकन तैयार होता है इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं सांभर को, क्योंकि हमें पतली कर रखनी है। चाहे तो आप हैंड बीटर भी चला सकते हैं, हम बेस्ट से इसको ब्लेंड करें, अच्छे से मिक्स करें। मतलब
और हम इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देते हैं। गर्म पानी लिया है हमने, आधा ग्लास करीब हम गर्म पानी डाल रहे हैं। देखिए ये पतली हो गई है। अब इस कुकर को हम साइड में रख देते हैं और इमली का पल्प निकाल लेते हैं, जो इमली हमने भिगोई थी उसका पल्प निकाल लेते हैं। देखिए इसको ऐसे मसल लेती हूँ, ये गर्म पानी में भिगोई थी हमने, करीब आधा घंटा हो गया इसको भीगे हुए। ये सारे इसके बीज निकाल लेंगे और एक कप जैसा इसका रस निकाल लेंगे। अब इसको छान लेती हूँ, इसको इसमें छान रही हूँ मैं बाउल में। देखिए ऐसे मैं इमली का रस निकाल रही हूँ। आइए अब अपन 5 मिनट जो छौंकन रखा था उसको संभाल लेते हैं। देखिए 5 मिनट हो गए हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्टन हो गए हैं, सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको मैशर से मैश कर लेती हूँ। देखिए ऐसे इसको मैश कर लेती हूँ। अभी इसमें वो जो कुकर का मिक्स बनाया था उसको डाल देते हैं हम, और एक बार इसमें इसको ब्लेंड करेंगे हम। अब यहाँ पे मैं इमली का पल्प ऐड कर देती हूँ जो रस निकाला था हमने, और जो बीटर रहता है, हैंड बीटर हो या विस्क हो, किसी से भी आप अच्छे से इसको बीट कर सकते हैं। ये मेरे पास हैंड बीटर है। अब यहाँ पे मैं मसाला भी डाल रही हूँ जो बचा हुआ मसाला था। कुकर को उतार रखा है हमने गैस से, ये पानी डाल रही हूँ, करीब गर्म पानी है, 1 से 2 ग्लास पानी डल जाएगा। अब इसको करीब 20 मिनट तक उबलने देंगे, क्योंकि इसकी खटास, इसका मसाला सब एक मिक्स हो जाएगा और उसके बाद हम सर्व करेंगे। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए। अब जैसे आप देख रहे हैं ये वाइट सा झाग आ रहा है, ये इतना उबालेंगे हम कि ये झाग पूरा खत्म हो जाएगा और तरी आ जाएगी ऊपर, तेल आ जाएगा और धीमी आंच पे उबलेगा ये। करीब 20 मिनट तक इसको मैं उबालूंगी। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक और ऐड कर रही हूँ, और लास्ट में नींबू भी डाल देंगे हम इसमें। इमली का पानी भी डाला हमने, तो नींबू आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। और मैं इसमें मीठा नीम डाल रही हूँ फ्लेवर देने के लिए थोड़ा सा, और लास्ट में हम धनिया पत्ता से गार्निश करेंगे। अब इसको 20 मिनट के लिए मैं छोड़ देती हूँ, फिर इसकी प्लेटिंग करेंगे ढक के। देखिए सांभर कितने अच्छे से बॉईल हो गई है। देखिए यहाँ पे इसका ऑयल भी आ गया है, ये देखिए ऑयल आ गया है अच्छे से। तो बस अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। धनिया पत्ते से इसको मैं गार्निश कर दूंगी। तो दिस यमी खट्टा सा सांभर रेडी है आपके लिए। अब इसमें इडली का आप लिंक इस सांभर की रेसिपी में देख सकते हैं, और डोसे का लिंक भी आपको इस सांभर की रेसिपी में नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिलेगा। तो आइए अब इसको हम सजा लेते हैं, प्लेटिंग कर लेते हैं। लीजिए ये यम्मी सांभर हमारा तैयार है। देखिए कंसिस्टेंसी है, कलर अपने आप चेंज हो जाता है इसका, क्योंकि जब तक आप इसको पकाएंगे नहीं अच्छे से ये अच्छा नहीं लगेगा। ये हमने धनिया पत्ती धो के रखी है, इससे हम गार्निश कर देते हैं इसको। तो अगर ये आपको सांभर की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर इडली का डोसे का आपको मसाला देखना है, बनाना है, तो इसके सांभर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है।